देश दुनिया के इतिहास में 12 सितंबर का दिन कई तारीखों का गवाह बना। आज के दिन संगीतकार जयकिशन के निधन समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन तारीखों की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज के दिन 1217 में फ्रांस के राजकुमार लुई और इंग्लैंड के राजा हेनरी तृतीय ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के सदस्य फिरोज गांधी का जन्म आज ही के दिन 1912 में हुआ था। 1948 में आज ही के दिन पाकिस्तान के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के एक दिन बाद भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। आज ही के दिन 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जैकलीन बुबिये से शादी की थी। 1959 में आज ही के दिन तत्कालीन सोवियत संघ का रॉकेट लूना 2 चांद पर पहुंचा था। आज ही के दिन 1966 में भारत के तैराक मिहिर सेन ने जल डमरू मध्य सागर को तैरकर पार किया था। 1968 में आज ही के दिन अल्बानिया ने खुद को वारसा संधि से अलग करने का निर्णय लिया था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार जयकिशन का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। जयकिशन की जिया बेकरार है, छाई बहार है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मरमल का जैसी रचनाओं ने खूब सुर्खियां बटोरी। भारतीय अभिनेता, गायक, पत्रकार और लेखक रंजन का निधन आज ही के दिन 1983 में हुआ था। 1990 में आज ही के दिन पूर्व और पश्चिम जर्मनी को एकीकृत करने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ, पूर्व और पश्चिम जर्मनी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1991 में अंतरिक्ष शटल STS-48 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। 1997 में आज ही के दिन 43.5 करोड़ मील लंबी यात्रा के उपरांत मार्स ग्लोबल सर्वेयर यान मंगल की कक्षा में पहुंचा था। 1998 में आज ही के दिन कुआलालंपुर में 16वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग शुभारंभ किया गया था। आज ही के दिन 2000 में उत्तर पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर भारत, ईरान और रूस के बीच समझौता हुआ था। 2002 में आज ही के दिन नेपाल में माओवादियों ने सरकार के सामने संघर्ष विराम का प्रस्ताव भेजा था। आज ही के दिन 2004 में उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी करने का निर्णय लिया था। 2006 में आज ही के दिन पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान सौदे में रियायत देने की संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की थी। आज ही के दिन 2006 में सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। 2008 में आज ही के दिन सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद करने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2009 में भारतीय महिला टीम ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के आखिरी दौर में अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वां स्थान हासिल किया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।